नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक, जहां मैं मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए काफ़ी सारे वीडियोस लेकर आता रहता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। आइए दोस्तों, आज के वीडियो शुरू करते हैं और आपको एक ऐसी वेबसाइट के पास लेकर चलते हैं दोस्तों, जो आपको बताएगी कि इस डिजिटल दुनिया में आपने कहाँ कहाँ आपने ईमेल आईडी का इस्तेमाल किया है, कहाँ कहाँ आपका डेटा जो है, लोकेशन जो है, किस प्रकार का आपका डेटा इस्तेमाल हो रहा है, कितनी वेबसाइट पर वो एक्सेस हो रहा है। इसको फुटप्रिंट कहा गया है। इंटरनेट की दुनिया में आपके फुटप्रिंट्स कहाँ कहाँ गिरे हैं, कहाँ कहाँ पड़े हैं, ये आपको बताया जाएगा। और दोस्तों, ये जो है वेबसाइट का नाम है, मैं आपको यहाँ पर लिख के दे देता हूँ। ये देखिए, लिखा हुआ है savemine.com। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो है दोस्तों, देखिए ये आ गई है savemine.com, और माइन इसका सिंबल नाम है। बी स्मार्टर विथ योर पर्सनल डेटा ऑनलाइन। दोस्तों ये मैं यहाँ पहले दिखा देता हूँ कि ये कुछ कंपनीज इसका इस्तेमाल कर रही हैं। इट्स योर डेटा, ओन इट। और कैसे आप इसको देख सकते हैं, डिस्कवर वेयर योर पर्सनल डेटा इज ऑनलाइन इन लेस देन 30 सेकेंड्स, क्विकली अंडरस्टैंड योर ऑनलाइन एक्सपोजर एंड अवॉइड डिजिटल रिस्क, बी प्रोएक्टिव एंड टेक एक्शन टू रिमूव अननेसेसरी डेटा, कंटिन्यूसली नो वेयर यू स्टैंड, इफ़ यू केयर अबाउट योर फ्रेंड्स एंड फैमिली शेयर द वर्ड्स। आपको अगर ये पसंद आए तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। तकरीबन इतने यूज़र सेफर ऑनलाइन इसका इस्तेमाल कर चुके हैं अभी तक, इतने यूज़र्स अपने फुटप्रिंट्स को जो है कम कर चुके हैं, और वर सेव्ड फ्रॉम अ डेटा ब्रीच से इतने लोग जो है अभी तक बच चुके हैं दोस्तों। तो ये कुछ ऑफिशियल्स के एक्स हैंडल पर जो है कुछ मैसेजेस हैं दोस्तों। आपको करना क्या है, स्टार्ट करने के लिए आपको जो है, आप यहाँ पे साइन इन करेंगे और आपको अपनी जो है यहाँ पर ईमेल आईडी देनी होगी, क्योंकि मैंने लॉगिन पहले ही कर रखा था। आप जैसे ही लॉगिन करेंगे दोस्तों, तो देखिए ये लिखा आ गया है नाम, इट्स टाइम टू इम्प्रूव योर स्कोर, यहाँ पर स्कोर आएगा। और देखिए दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ है कि कुछ ऐसी 83 कंपनीज हैं जो होल्ड की हुई हैं मेरे डेटा को पहले, और फाउंड इन योर फुटप्रिंट। अब उसको अपन यहाँ क्लिक कर लेते हैं, सी विच कंपनीज। उससे पहले मैं आपको थोड़ा नीचे दिखा देता हूँ। ये देखिए, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि इतने परसेंट एक्शन ले लिया गया है, क्योंकि मैंने एक कंपनी को रिक्लेम कर दिया है कि आप हमारा डाटा जो है अपने साइट से डिलीट कर दें। तो हम यहाँ चलते हैं, क्लिक करते हैं सी विच कंपनीज पे। अब आप यहाँ ध्यान से देखिएगा, तकरीबन सभी लोगों की कुछ कॉमन कंपनीज होती हैं जो डेटा का इस्तेमाल कर रही होती हैं। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है कब से कर रही हैं, ये भी दिखा देते हैं। ये देखिए, ये जितनी भी आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, इन सभी ने जो है हमारे डेटा का इस्तेमाल किया है, और कब किया था ये प्रॉपर लिखा हुआ है। ये कुछ एप्लीकेशंस होते हैं, वेबसाइट्स होती हैं, ये सब जो आपको प्रॉपरली दिख रहा होगा, ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये इस तरीके से। और ऐसे भी करके और भी ज़्यादा नीचे आपको मिल जाएंगे। ये देखिए, आप मान लीजिए दोस्तों, हमें किसी वेबसाइट से अपना जो है डेटा हटाना है, और हमें क्लिक करना होगा। जैसे मैं इस यूनिवर्सिटी को जो मैंने ज्वाइन किया था जून 2020 में, मैं रीक्लेम पर क्लिक करता हूं। और रीक्लेम पर क्लिक करने के बाद आप ध्यान से देखें कि एक्चुअल में ये कौन कौन सा डेटा मेरा ले रही थी। अगर इंडस्ट्रीज ब्रीच पोटेंशियल देखा जाए तो मीडियम था, आइडेंटिटी, ईमेल एड्रेस और अप्रोक्सीमेट लोकेशन जो फ़ोन हमारा बताता है, दिखाता है, ये जो है इस टाइप का डेटा शेयर हुआ था। और दोस्तों, आप ये नीचे देख पा रहे होंगे, यहाँ पर 73 यूज़र्स ऑलरेडी रिक्लेम्ड, इस यहाँ से 73 यूज़र इससे रिक्लेम कर चुके हैं। अब मैं जैसे ही रिक्लेम पर क्लिक करूँगा, तो ये एक्चुअल में करता क्या है दोस्तों, ये मेरे बिहाफ में इस प्रॉपर यूनिवर्सिटी को अपने डेटाबेस से मेरे डेटा को हटाने के लिए एक मेल करेगा। और ये क्लेम योर बिजनेस कंट्री, ये आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है, अकाउंट एंड डेटा विल बी डिलीटेड, बट यू कैन ऑलवेज साइन अप अगेन। आप वापस से साइन अप कर लेंगे। और ये रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए मैंने यहाँ से देखी सेंड रिक्वेस्ट किया, और ये जो है यहाँ पे आ गया है, यू आर अ हीरो, यू रिक्लेम, आई कैन टेक अ फ्यू डेज टू सेंड एज वी आर प्रोसेसिंग, यू कैन कैंसिल एनी टाइम। अब यहाँ से मैं ट्रैक भी कर सकता हूँ, और अगर मैं ट्रैक नहीं कर रहा हूँ तो मैं यहाँ से वापस आ जाता हूँ। इस तरीके से दोस्तों आप यहाँ पर देख पाएंगे, ये देखिए और भी हैं यहाँ पर, यहाँ लिखा हुआ है। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे
तो मेरी जो पूरी 83 आप देख रहे थे कंपनीज कहाँ कहाँ पर मेरा डेटा है वो यहाँ पर प्रॉपरली आपको पता चल जाएगा। इवन ये भी पता चल जाता है कि वो एक्चुअल में आपका इस्तेमाल क्या क्या कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। जैसे कि अगर आप फेसबुक ही देख लें या फिर आप माइक्रोसॉफ्ट को देख सकते हैं, गूगल को देख सकते हैं। आप यहाँ पर क्लिक करें, गूगल तो वैसे भी आपका सब कुछ लेता है। आप लिंक्डइन पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं सोशल और ईमेल एड्रेस इन्होंने ले रखा है। रिपोर्टेड टू हैव बीन ब्रीच्ड इन 2016। इवन ये भी बताते हैं कि ये जो पर्टिकुलर कंपनी 18 एवरेज टाइम टू कंप्लीट रिक्लेम्स, इतने यूज़र जो है यहाँ से रिक्लेम कर चुके हैं, तो आप यहाँ से भी इसको रिक्लेम कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आप जो ऑप्शन देख रहे हैं माय रिक्लेम्स का, मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद अब आप देख सकते हैं ये जो मैंने दो कंपनीज को रिक्लेम के लिए ऑप्शन भेज दिया है वेटिंग टू बी सेंट, और ये दो कंपनीज हैं ये यहाँ पर आप इसको ट्रैक कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। बेसिकली ये एक रिक्वेस्ट करेंगे, रिक्वेस्ट मेल भेजेंगे वहाँ पर, और ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, ये मैं आपको बताना चाहूँगा, कि सामने वाली जो पर्टिकुलर कंपनी है वो आपका डेटा इनके कहने पर डिलीट कर देगी, क्योंकि अभी तक हमारे यहाँ पर कोई ऐसा लॉ नहीं है जो ये तय कर सके। जो जैसा कि फॉरेन कंट्रीज़ में चलता है कि आपको यूज़र के कंटेंट को और यूज़र के डेटा को कितना प्रोटेक्ट करना है, कितना उनकी बातें मानना है, ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। इस कारण से आप सिर्फ यहाँ पर दो कामों से देख सकते हैं। एक आप ये देख सकते हैं कि आपका डेटा कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, किस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। दूसरा आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अगर वो डिलीट कर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इवन आप देख रहे होंगे यहाँ कैटेगरी बना दी है इसने कि किस किस कैटेगरी में जो है आपका डेटा, आप शॉपिंग में 3 जगह है, मीडिया एंटरटेनमेंट में 6 जगह है, यहाँ इस तरीके से आप देख सकते हैं। और यहाँ पर इजी टू क्लेम, ये क्लेम आपको यहाँ पर 0% दिखने लगेगा। ये सी ऑल 82 कंपनी आप यहाँ से देख सकते हैं और ये कंपनीज आ गई हैं यहाँ पे। पर्टिकुलर दोस्तों आपका ओवरव्यू होता है जो आपको ये दिखाता है कि आपने कितनी न्यू कंपनीज, कितने क्लेम, कितना ये लास्ट विजिटेड ट्रैक आप यहाँ से बदल भी सकते हैं। ये मैक्सिमम 60 डेज तक जाता है। 4% अभी तक ओनरशिप प्रोग्रेस की जो हमारे डेटा की है वो यहाँ पर हुई है। और यहाँ पर आप क्योंकि ये देख पा रहे हैं, आप यहाँ से अपनी प्रोफाइल देख सकते हैं और यहाँ से आप लॉग आउट भी कर सकते हैं। दोस्तों मुझे ये वेबसाइट काफ़ी अच्छी लगी और मुझे ऐसा लगा कि कुछ ना सही से कुछ तो सही, अगर ये आपको प्रॉपरली बता पा रहे हैं। क्योंकि जैसे ही आप दोस्तों यहाँ देखेंगे कंपनीज़ पे तो हमें याद आता है कि हाँ इन कंपनीज़ को जो है हमने विज़िट किया था, और ये जितने भी कंपनीज़ में जब हम हमारा ईमेल दे देते हैं और जीमेल से हम लॉगिन कर देते हैं उसी दिन ये प्रॉपर वहाँ पर चला जाता है। और ये कुछ कंपनीज़ क्योंकि डेटा का इस्तेमाल कर रही होती हैं तो प्रॉपर जो है वहाँ पर हमेशा उसका इस्तेमाल करती रहती हैं। इस डेटा का काफ़ी सारा बिजनेस भी होता है और जिसके बारे में आप सभी लोगों को पता होगा। तो दोस्तों ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनसे आप यहाँ पर आकर देख सकते हैं और आपको पता चल सकता है कि कौन सी कंपनी आपका डेटा का किस तरह से इस्तेमाल कर रही है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, ये प्रोसेस समझ में आई, तो आप लोग भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं इसको कि ये क्या है, किस तरीके से काम करता है। वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। थैंक यू।